Nikolai. Nikolai from? Russia. Russia. So that is bad experience. You need to discuss with administration. Yes, okay. यहाँ enough amenity न होने के कारण उसने वैसा ही रखा है. Waiting करना पड़ रहा है. ये है हाल. ये रहा दी मून होटल. अंडा लेके आना है, जुगाड़ लगाना है, स्पाइसेस भी लेना. यहाँ की स्पाइसेस बहुत ही आना है. टोमेटो पाउडर है और रेड चिल्ली देखो, ये है रेडी टू ईट नहीं है. चिकन है. चिकन है. उसका हिसाब जानने में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है. एक्चुअल में हमारे ही करेंसी में कितनी बनती है? कल से देख रहा था, काका फल है, चिकन बना रहा है. चिकन ये आपका स्पाइसेस है क्या? इसका इडली निकाल के इसमें ही डाल दिया पूरा अंडा. ये अंडा का जुगाड़, ब्रेकफास्ट का आनंद उठाने ये वाला सिस्टम बनाया है. उन्होंने बना है राइस. उसका एक क्लीन के मामले में जरा एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाया है. उस चक्कर में हॉस्टल वाले से लेके आए. नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है. मैं अभी हूँ डीम मून हॉस्टल जो पड़ता है ताशकंद सिटी में. यहाँ हम आए थे कल. कल आने के बाद जो हुआ वो सारा आपको अपडेट किया गया है. आज की तारीख है, आज तारीख है 28 नवंबर और यहाँ का लोकल टाइम हो चुका है 9:30. हम 2 घंटे पहले ही उठे थे लेकिन यहाँ हॉस्टल की सुविधा कुछ अच्छी नहीं लगी है मेरे को, क्योंकि यहाँ जो हॉस्टल वाले हैं उनका ध्यान ज़्यादा नहीं है जो एम्यूनिटीज़ है उस पर. क्योंकि एक एम्यूनिटी ये होती है, एक हॉस्टल में इंडोर जो किचन होता है उसमें जो जलने वाला जो चूल्हा या गर्म पानी करने का जो जुगाड़ रहता है वो जुगाड़ इतना कम है और ज़्यादा लोगों की भीड़ होने की वजह से हमारा नंबर नहीं आ रहा. नंबर न आने की वजह से हमको जाना पड़ रहा है थोड़ा बाहर. हम अंडा खरीदने के लिए जा रहे थे. योर नेम? Nikolai. Nikolai फ्रॉम? रशिया. रशिया. वी हैव अपडेटेड दैट द हॉस्टल एम्यूनिटीज आर नॉट गुड बिकॉज इन रेस्टोरेंट एरिया देर इज नॉट मल्टीपल कप्स सो ऑन. दैट्स वाई वी आर लेट. वी गो टू परचेज द एग्स. Wanted to boil and eat as a so, breakfast. Restaurant area is a very little bit dirty. Most dirty cup, hot water, that's not available. They wanted that 2 numbers minimum 2 numbers for the kitchen stove. That's amenities not enough in that hostel. So that is bad experience. You need to discuss with administration. Yes, okay. We have discussed. यहाँ enough amenity न होने के कारण मेंबर लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है. देख सकते हैं आप, जो कोई भी चाय पिया होगा उसने वैसा ही रखा है और ये डिब्बे में गर्म पानी नहीं मिल रहा है या वेटिंग करना पड़ रहा है. और सिर्फ एक ही चूल्हा है इनके पास. ये है हाल उनके किचन का. एक्चुअल में इनफ एम्यूनिटी न होने के कारण थोड़ा गड़बड़ और जहाँ से लोग निकलते हैं वहीं लगने वाला कोना आपको देखने को मिलेगा. सो जो भी हमें बुरा लगा इनके साथ हम डिस्कस करेंगे. थोड़ा ठंडा है लेकिन उतना भी ठंडा नहीं है कि आपकी जान ले लेगा. इतना तो है. ये रहा डी मून होटल और हम अभी जा रहे हैं मगाजी शॉप, जो भी अंडा लेके आना है क्योंकि थोड़ा ब्रेकफास्ट में कुछ तो जुगाड़ लगाना है हमें. हम अभी अंडा लेने के लिए आए थे, यहाँ से हमने अंडा उठाया है हमारी ब्रेकफास्ट के लिए. तो ये रहता है मगाजी. हमें थोड़ा सा ये भी लेना है, स्पाइसेस भी लेना है. ग्रीन चिली बोलेंगे, ग्रीन चिली बढ़ रहा है इससे क्या पता. साठ को है ये मालूम नहीं है. यहाँ के स्पाइसेस बहुत ही अलग है. क्या क्या है पता नहीं. वही डाल लेंगे, ग्रीन चिली ले लेंगे.
वो रेड चिल्ली बोला जाता है, रेड चिल्ली रहता है। रेड चिल्ली रेड चिल्ली नहीं है, टोमेटो पाउडर है। नहीं नहीं टोमेटो पाउडर बहुत बड़ा, टोमेटो पाउडर, टोमेटो टोमेटो पाउडर, टोमेटो पाउडर है। और रेड चिल्ली देखो ये है, ये रेड चिल्ली है शायद, ये सीन स्पाइसेस ये लेते हैं। ये उसका चल नहीं रहा इस पे, कैश कैश कर दो, इस पे चल नहीं रहा। नहीं नहीं मैंने किया है, कर दिया इसका, कर दिया आपको कैश में कर दो उसका। वो अरे वो सिर्फ अंकल जी ये मिल रहा है, चिकन मिल रहा है, उसमें रेडी टू ईट वाला नहीं है, रेडी टू ईट नहीं है। अंकल लेना है वो? नहीं 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 सर सर, यहाँ से हमने जो उठाई है चीजें उसका हिसाब जानने में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। मैंने सिर्फ स्पाइस और अंडा लिया है, और अंकल जी ने कुछ 83,000 का लिया है उनका जो लेना था। तो हम अभी समझेंगे उसको स्प्लिट अप करके कि उसका अमाउंट एक्चुअल में हमारे करेंसी में कितनी बनती है, क्योंकि हमारे पास अभी इंटरनेट नहीं है इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो देखेंगे डाल के कि कितना कितना क्या हो। वो किचन में ज़्यादा भीड़ लगी है, ये आप देख सकते हैं। मैं कल से देख रहा था, एक काका फल है कुछ, इसको तोड़ के खाया जा सकता है, लेकिन ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में है तो उसको बगैर पूछे हम उसको हाथ नहीं लगा सकते। और अगर मैंने पूछ लिया ना, कैमरा लेके, तो ये क्या वो चार फल देगा मेरे को। तो कोई ग्रुप मेंबर ऐसा चिकन बना रहा है, चिकन इस टाइप से बनता है चिकन। हाँ ब्लॉगिंग कर रहे हैं। बांग्लादेश, ये आपका स्पाइसेस है क्या इसका? हाँ आपका ही है ना। स्पाइसेस लगा के बाकी लोगों का जुगाड़ पानी चल रहा है, थोड़ा सा लेट होने की वजह से मैंने इडली निकाल के इसमें ही डाल दिया पूरा अंडा। इसमें ही अभी मेरे को मैगी बिगी बना के खानी है। ये पॉट बहुत काम आया, क्योंकि यहाँ नंबर नहीं लग रहा है, जितने लोग हैं उसकी हिसाब से वो एम्यूनिटी में ज़्यादा स्पेस नहीं है। भाई जो टेस्ट कर रहे हैं अभी, क्या है वो? ये दाल है, दाल बनाई है, मूंग दाल नहीं, दूसरा मसूर दाल, मसूर दाल। ये मेरे ब्रेकफास्ट में मेरा अंडा रेडी है, ये अंडा का जुगाड़। ये मैंने जो किटली लेके आया था इसमें 6 अंडे रखे हैं। नमक किससे मांग के हम हमारे ब्रेकफास्ट का आनंद उठाते हैं। थोड़ा बचाओ नहीं से। दूसरा वेजिटेरियन ग्रुप जो है उन्होंने ये वाला सिस्टम बनाया है, ये उन्होंने बना है राइस जो अभी पक्का नहीं है, सॉरी। और उन्होंने कुछ तो मूंग डाल या ऐसा कुछ, मसूर डाल ऐसा कुछ तो डाल बना, ये ज़्यादा ही हो गया डाल। मैं जितना भी जुगाड़ कर पाया मैं कर रहा हूँ। मैंने जब केटली लाई थी उसमें अभी बन रही है मेरी चाय, लेकिन गड़बड़ ये है कि अभी मेरे पास शक्कर नहीं है, तो शक्कर न होने की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। शक्कर भूल गया मैं, हॉस्टल वाले से लेके आऊँगा मैं शुगर। चाय बन रही है, चाय बन रही है। ओके, ये हमारा ग्रुप था एक क्लीन के मामले में ज़रा एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाया है इस कंट्री में आके, क्योंकि जब हम किचन रेस्टोरेंट एरिया में आए थे इतना गंदा था, खाना पीना होने के बाद साफ सफाई न होने के कारण यह करते ही नहीं है, तो इसलिए इन्होंने सारा चकाचक कर दिया। देखो यहाँ खाना चल रहा था 10-15 मिनट पहले, उन्होंने खाना निपटाने के बाद क्लियर कर दिया, और एक दूसरा बंदा लगा जो उनके खाने पीने उसको सारा क्लियर कर रहा है। मेरे पास 2 मिनट पहले एक ही शक्कर, उस शक्कर में हॉस्टल वाले से लेके आया, उन्होंने मेरे को हॉस्टल की जो लेडी है उसने मेरे को हंसी खुशी जी इसको घोल के बड़ा होता है।